नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। फिलहाल सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक मोर्चरी हाउस से देख रहे हैं। जैसे ही तीनों सेनाओं ने प्रेस वार्ता करके इस चीज़ की घोषणा की, ऐलान किया कि अब अग्निवीर के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी और इसका ऐलान किया गया 4 साल तक जो है अग्निवीरों के तहत भर्ती होगी, 4 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। जैसे ही ये सूचना डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैली तो इसका विरोध शुरू हो गया। कई राज्यों में तो बवाल तक आ गया, कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी, युवाओं ने रेल तक रोक दी कि ये फैसला गलत है और इसको वापस लिया जाए। ऐसा ही मामला फिलहाल हरियाणा के रोहतक जिले से सामने आया है, जहां पर इसी सूचना से आहत होकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया कि 4 साल के लिए भर्ती क्यों हो। हरियाणा सेना के जवानों के नाम से और किसानों के नाम से जाना जाता है दूध दही का मेरा हरियाणा, इस तरह के स्लोगन हरियाणा के प्रचलित हैं, लंबे समय से प्रचलित हैं और चलते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सूचना जो है पूरे हरियाणा में फैली कि 4 साल के लिए सेना में भर्तियां होंगी, इसी से आहत होगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से कोरोना के कारण एक तो भर्तियां नहीं हो पा रही, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक पर है, सरकार के दावों की लगातार पोल खोलता रहा, सरकार दावा कर रही है हम रोजगार देने में सक्षम हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। दावों की जो सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल लगातार खुलती आ रही है। CMEI की रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन हरियाणा नंबर एक है पूरे भारत में बेरोजगारी में। उसमें हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं हमने 75% का आरक्षण युवाओं को दे दिया, हम रोजगार दे रहे हैं। हरियाणा की सरकार है वो रोजगार दे रही है, बिना भर्ती बिना पर्ची खर्ची काम कर रही है। लेकिन अग्निवीरों की जो परीक्षा सामने आई, अग्निवीरों ने जो ऐलान किया कि 4 साल के लिए भर्ती होगी अग्निवीर के तहत, उसने एक युवक की जिंदगी ले ली। अगर वो युवक सेना में भर्ती होता और वहां पर 15 साल देश की सेवा करता और अगर उसकी वहां शहादत होती तो कहीं ना कहीं यहां से अच्छा होता, परिवार के लिए गर्व होता कि हमारा बेटा सेना में शहीद हुआ, परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं पूरा वाक्य क्या है, कैसे ये घटनाक्रम हुआ। प्रदीप जी, कैसे हुआ ये? हाँ, ये सुबह करीबन 5 बजे के आसपास कदम उठाए यहाँ पी जिमरा आकर था देव कॉलोनी में, और उसके साथियों ने जब इसके दरवाज़ा खड़ुकड़ाया है तो इसने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने दरवाज़ा दका के देखा है, शेर में को दिखा है भाई इसने इस तरह, जब उनने अंदर जाकर उतारा है और उतार कर फिर वह इस नाड़ पी जी में लेकर आए, हर घर सूचना दी है, उसके बाद हम आए यहाँ पी जी में भर्ती की तैयारी के लिए। हाँ, ये तैयारी करा कर दाड़ा है मिलिट्री में, इसका पहले 2 साल पहले गोवा में रिलेशन, इसके फादर भी मिलिट्री में, रिलेशन से इसकी फिजिकल और मेडिकल हो लिया था लेकिन इसका टेस्ट नहीं हो पा रहा था पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से, बार बार भर्ती कैंसिल कर दी थी, फिर वो भर्ती कैंसिल कर दी और उसके बाद ये जो 4 साल वाला मामला सुना था उसके बाद ये पिछले 2-3 दिन से 3-4 दिन से डिप्रेशन में था, बार बार फ़ोन पर भी जिक्र चला करता तो उसी वजह से ये डिप्रेशन में था और वो फिर इसको लग रहा था शायद मेरे, क्योंकि इसकी एज भी होने लग रही थी, 23 साल की होगी थी, तो इसको लग रहा था शायद इसका सपना पूरा ना हो जो इसका मिलिट्री में जाने का सपना था, नहीं तो इसे कोई परिवार में कोई दिक्कत नहीं, सारा असंख्य परिवार है, सक्षम परिवार है, कोई दिक्कत नहीं थी ना, इसमें कोई ऐप था, असमुख लड़का था, कोई दिक्कत कौन थी, 1% भी, शाम ने फ़ोन कराया इसने, शाम ने भी आराम तो बात हुई, कोई दिक्कत कौन थी किसी प्रकार की भी, तो उस हाथ होकर इसने ये कदम उठाया। कहीं ना कहीं जो अग्निवीर केंद्र सरकार जो लेके आई है, सेनाएं जो लेके आई हैं कि 4 साल के लिए भर्ती होंगी, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए घातक साबित हो रही है। 100% इसमें कोई दोराई नहीं, किसान और जवान के लिए खासकर हरियाणा जाना जाओ है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है सरकारों को, ये किसान और जवान को दोनों ख़त्म करना चाहते हैं और उसी की बदौलत ये है कि आज हमने एक अपना नौजवान भाई इससे ये पता लग गया है ना, 50 के नज़दीक बच्चे इसमें सुसाइड कर चुके हैं। आज सुनने में आए एक सुबह जींद का लड़का, ये हमारा भी जिला जींद ही पड़ता है, जुलाना थाना लजवाना, बड़ा लजवाना गांव है भाई का, मेरा करसोड़ा गांव है, तो एक जींद में भी ऐसा हादसा सुनने में आया है कि होया है और 50 के करीब में ऐसी बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जो 4-4, 5-5 साल से, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 2 साल पहले इसका फिजिकल होया था, तो बार बार में पोस्टपोन्ड हो गई डेट, आगे आड़े कोचिंग करया कर दे, बच्चे हाथ हो गए, फिर ये 4 साल वाली जो स्कीम निकाल दी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इससे बहुत काफ़ी बच्चा में मतलब रोष हो रहा है, जो पूरा टारगेट बना रहे थे भाई सेना में ही जाना है, तो नौकरी तो और भी मान ली सेक्टर में है
लेकिन जिसको फौज की तैयारी करनी थी उनके लिए ज़्यादा हाथ की बात हो रही है। आप और युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवा हम तो यही अपील कर रहे हैं जी, ऐसी भावनात्मक माता पिता को मतलब तंगी में मत छोड़ के जाओ भाई, एक सहारा होता है बच्चे का। और इसमें तो माता पिता की क्या गलती है, ये तो बस डिप्रेशन वाली बातें हो रही हैं जी। सरकार से अपील है इसको बहाल करें जल्दी, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बच्चों का। प्रदीप, आप लंबे समय से किसान आंदोलन के साथ भी जुड़े, कई सामाजिक संगठनों के साथ भी जुड़े हैं, आप जो ये 4 साल के लिए ये भर्ती आई है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा, 100% देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। जब सेना में भी ठेके भर्ती होने लग जाओगे तो सैनिक अपने पूरे मनोबल के साथ नौकरी नहीं कर पाओगा। जब उसको लग रहा है कि 4 साल के बाद चला जाओगा तो छाती क्यों उड़ाओगा, क्यों शहीद होगा? तो देश को बर्बाद करने का कदम है। हकीकत में इससे देश बर्बाद हो जाओगा, 100% गुलाम हो जाओगा। परिजन थे, परिजनों ने बात की है, इनके चाचा जी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कर दिया कि 4 साल के लिए भर्ती होंगी सेनाओं में अग्निवीर के तहत, तो परिजन हैं साथ में, क्या कहेंगे? सब हमारा लड़का जो डिप्रेशन में आ गया था 2-3 दिन से, हमने समझा भी, फिर वो दिल पे ले गया, ये 4 साल की भर्ती कर दी, इससे वो परेशान हो गए, खुदकुशी कर गया। और युवा वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश? वीडियो देख रहे हैं भाई, और ये कोई आर्मी जरूरी नहीं है, और कहीं ट्राई कर लो, वैसे अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए बच्चों को, माँ बाप का क्या हाल होता है, पीछे बच्चे पालते हैं, तैयारी कराते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर बच्चे सुसाइड करते हैं, ये कदम किसी भी नौजवान साथी को नहीं उठाना चाहिए। कितने बहन भाई थे ये? दो भाई थे, चार बहन थी, सबसे छोटा लड़का था ये सबसे छोटा था। हाँ, तो परिवार का दुख आप देख सकते हैं कि 22-23 साल की उम्र में सरकार की नीतियों के फेल्योर के कारण, सरकार की नीतियों के कारण अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर होता है, रोजगार देने में जैसे सरकार जो है विफल होती है, तो इस तरह के कदम युवा उठा लेते हैं। आप लोगों से अपील है, अपने धैर्य से काम लेंगे, विवेक से काम लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करते रहे। IBN 24 के लिए रोहतक से मोहित गोयत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।